कुछ बाल आ रहे हैं या अभी नहीं आ रहे हैं? जी नहीं आ रहा है। हाँ अभी नहीं आ रहा है, कुछ एकाठ दिखाई दे रहा है। एक महीना दवा चला। एक महीना हुआ जी? ठीक है, एक महीने में बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है। अच्छा, अगले एक दो महीने में दिखने लग जाएगा जी। ये वाला एलोपेशिया केस है और इसमें एक महीने के बाद बहुत ज़रा सा फ़र्क हुआ और बाल नहीं आ रहे हैं। तो एक महीना वैसे तो लंबा टाइम है बहुत सारी चीज़ों के इलाज के लिए। बहुत सारी चीज़ें तो 4-5 दिनों में ठीक भी आती हैं, स्पेशली एलर्जीज जो होती हैं, लेकिन बालों के इलाज के लिए एक महीना बहुत शॉर्ट टाइम है। तो आपने दवाइयाँ शुरू की है, एक महीना हो गया और आपको रिजल्ट नहीं मिला है, चिंता मत करिए, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वापस नए बाल भी आते हैं। तो अपने डॉक्टर के पास जाके चेकअप ज़रूर कराइए ये पता करने के लिए कि अंदर से कंडीशन कैसी है और कितना समय लगने वाला है पूरा ठीक होने में। और एक दो महीने में बहुत ज़्यादा रिजल्ट की उम्मीद भी मत कीजिए, बालों की ग्रोथ बहुत स्लो होती है, एक महीने में 1 सेंटीमीटर से भी कम। तो अगर आपको नए बाल दिखने हैं तो 3 महीने बाद आपको छोटे छोटे बाल दिखना शुरू हो गए। और हेयर फॉल रुकने में भी 1 से 2 महीने टाइम लगता है। तो कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, दवा शुरू करने के बाद 1 महीने में उन्हें बहुत अच्छा फील होने लगता है, पर ज़्यादातर लोगों को पहले महीने में बहुत थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। तो ये वाला केस मैंने इसीलिए दिखाया, इसमें पेशेंट खुद ही कह रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, 1 महीना हुआ है केवल। तो ऐसा सबके साथ होता है, डिसहार्टेड होने की ज़रूरत नहीं है, दवाइयाँ कंटिन्यू करिए। और इसीलिए हम लोग 2-3 महीनों के बाद कंपेयर करना शुरू करते हैं कि भाई अब रिस्पॉन्स क्या नॉर्मल स्पीड में मिल रहा है या स्लो है या ठीक ठाक है, और उसके अनुसार दवाइयों को मॉड्यूलेट करते हैं, चेंजेस करते हैं, डोज बढ़ाना है या टैपरिंग करना है। तो ये इस तरह के हम लोग और भी वीडियोस डालते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।